तो हेलो गाइस, सभी हमारे चैनल स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने मतलब आपका अकाउंट अगर डिसेबल हो गया है, यानी कि आपका अगर फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो गया है तो कैसे उसको रीएक्टिवेट करवाएं, यानी कैसे आप चालू करवा सकते हो। ठीक है, इन यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको मिली होंगी, लेकिन आपको ऐसी वीडियो नहीं मिली होगी कि आपका अकाउंट यानी रीएक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आपको अपने डिसेबल अकाउंट को कैसे रीएक्टिवेट करवाना है, बिल्कुल 7 डे से 30 दिन के अंदर में। बिल्कुल, मैं ये दोस्त एक वीडियो और लाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक, अगर आपके इंस्टाग्राम अगर अकाउंट अगर सॉरी आपका अगर फेसबुक अकाउंट सही नहीं होता है तो मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो, बिल्कुल आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम सर्विस से आप बात कर सकते हो, कॉल पर बात कर सकते हो। तो ये वीडियो जल्द से आने वाली है। अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, इसी वक्त सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लो, जब भी वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहले पहुँच जाएगी। तो अभी सब्सक्राइब कर लो। आपने जाना क्रोम ब्राउजर पे, तो आप कह रहे क्रोम ब्राउजर, आप सारे यूट्यूब पर सारी वीडियो को देखे होंगे तो यही सब बोलते हैं कि क्रोम ब्राउजर पे जाओ। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो तरीका नहीं बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको क्या करना, आपको यहाँ पर सर्च करना है एसेसिंग, यानी एसेसिंग एंड डाउनलोडिंग। ठीक, क्या करना है, एसेसिंग एंड डाउनलोडिंग आपको लिख के सर्च करना है। क्या लिखना है, एसेसिंग एंड डाउनलोडिंग। दोस्तों मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई मिस्टेक ना हो, भाई कोई दिक्कत ना आए। या आपको इसे क्या करना, आपको कर देना सर्च। ठीक है, आपको एसेसिंग एंड डाउनलोडिंग लिख के आपको सर्च कर देना। जैसे आपको सर्च करोगे ना गाइज, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पर आपको एसेसिंग एंड डाउनलोडिंग योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, इस पर कर देना क्लिक। जैसे गाइज आप इस पर क्लिक कर दो, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता होगा। आपको यूट्यूब पर कभी ऐसी वीडियो नहीं मिली होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पर आपके बहुत सारे यहाँ पर इंटरफेस आ रहा है, क्या करना, यहाँ गाइज आपको अकाउंट एसेसिंग ट्रैवल शूटिंग आपको दिख रहा है, इस पर आपको कर देना क्लिक। अब यहाँ पर क्लिक करोगे फिर यहाँ पर देखो सारी यहाँ पर ऑप्शन आपका आ चुका है। ये आपको ये बोल रहा है कि आपका अकाउंट हैक हुआ है। देखो, माय अकाउंट हैज बीन हैकड, माय अकाउंट हैज बीन डिसेबल, कैंट लॉग इन माय अकाउंट, माय अकाउंट। इसमें से जो आपका है अकाउंट जिस तरीके से आपका हुआ उसी आपको चॉइस करना है। अगर आपको डिसेबल डिसेबल कर लो, अगर कैंट प्रॉब्लम तो कैंट कर लो, अगर यहाँ पर आपको अकाउंट को अगर मतलब डिसेबल करवाना तो आप डिसेबल भी करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा अकाउंट हो गया डिसेबल, तो हम क्या करना, आपने यहाँ माय अकाउंट वाले करना है डिसेबल। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने माय अकाउंट है डिसेबल क्लिक करना है। फिर क्या करना है, यहाँ आपको सबमिट एन अपील पर क्लिक करना है, आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, इस पर करना क्लिक, सेंड नहीं करना, सेंड वाले नहीं करना है, आपको सबमिट एन अपील दिख रहा है, इस पर कर देना क्लिक। इससे गाइज आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपको रिडायरेक्ट हो जाओगे। फिर आपके सामने बहुत सारे यहाँ में इंटरफेस आ जाएगा। फिर क्या करना, यहाँ पर आपको जला जला नीचे, ठीक है, तो आपको नीचे रहना है। फिर आपको यहाँ क्या करना, आपको लिखा है व्हाट कैन आई डू आई माई अकाउंट हैज बीन डिसेबल, ये वाले यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर क्या करना, यहाँ पर आपको देखिए यूज दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट ए रिव्यू, आपको ये वाले ऑप्शन में कर देना क्लिक। जिससे गाइज आप इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर आपके आप यहाँ पर आप कहाँ पर आ गए हो, जो फाइल आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, आप सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे फाइल करके आप बिल्कुल सेंड कर सकते हो। क्या करना है, यहाँ पर गाइज देखो यहाँ पर आपको जीमेल आईडी देना है। आप कौन से जीमेल आईडी देना है, देखो यहाँ पे जीमेल आईडी, आप वो जीमेल आईडी देना जो आपके फेसबुक में लिंक था। ठीक है, लिंक था जो फेसबुक में इंस्टाग्राम में भी लिंक होता है। आप चाहो तो अपने मतलब मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो यहाँ पर, आप चाहो तो मोबाइल नंबर या अपने यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो ताकि जो आपके इंस्टाग्राम संपर्क करे तो आपको मतलब वहाँ से बता दे। ठीक है, तो कहीं क्या करना है, अपने मतलब फेसबुक यहाँ फ़ोन नंबर डाल दो या जीमेल आईडी से लिंक है तो आप जीमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो जीमेल आईडी जो आपका लिंक वही डालना है भाई, कोई अदर और चीज़ नहीं डालना। ठीक है, तो क्या अब यहाँ पर अपने जीमेल आईडी मैं यहाँ डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर अपने जीमेल आईडी डाल दिया हूँ। क्या करना है, यहाँ पर आपको नाम दे देना है अपना फेसबुक नाम। ठीक है, तो मेरा फेसबुक नाम मेरा अरविंद नाम से है, तो मैं यहाँ अरविंद नाम से मेरा फेसबुक, तो यहाँ पर अरविंद डाल दिया हूँ। फिर गाइस क्या करना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरा बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो यहाँ चूज़ फाइल, यहाँ पर आपको 3 चीज़ एक्सेप्ट की जाएंगे। देखो, वोटर आईडी, पैन कार्ड और बाकी जो भी ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी सब चल जाएगी, आपको आधार कार्ड यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, आपको जो ये फ्रेंड होता है, जो बैक होता है फ्रेंड, यानी कि जो पैन कार्ड है तो आगे पीछे जो होता है उसकी फ़ोटो ले करके फ़ोन से लेना। क्या करना, आपको मतलब उसके दोनों तरफ से एक पिक बना लेना, पिक पिक यानी ताकि दोनों आगे पीछे दोनों दिखे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको बनाना है।
इस तरह के आपको बना क्या करना है, इसको आपको जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करना है। जेपीजी फाइल यहाँ आपको दिख रहा है, आप कहोगे जेपीजी फाइल क्या होता है, तो आप चाहो तो अगर आप फोटो खींचोगे ऑटोमेटिक जेपीजी फाइल बन जाती है मोबाइल से ही। अगर आप मतलब फोटो खींचते हो तो जेपीजी फाइल ही बनाती है, ठीक है। तो उसे करके क्या करना, आपको पिक्सआर्ट से या कोई सी लेफ्ट से आपको दोनों तरफ से मतलब ऐसे साइड साइड करके आपको रख के उसको यहाँ पर एक बना लेना है आपको फोटो, ठीक है, ताकि दोनों आगे पीछे दिखे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके, आपको चूज फाइल क्लिक करके आपको यहाँ सीधे हो जाएगा डेटा आउट। देखो यहाँ फोटो यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ कुछ भी फोटो यहाँ पर ले सकते हो। लेने के बाद आपको वो जो फोटो है उसी फोटो को जो आपने वोटर आईडी उसी फोटो को यहाँ पर अपलोड कर लेना है। इसे आप अपलोड कर लोगे फिर क्या करना है, यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सेंड के क्लिक करके सीधे वो इंस्टाग्राम वाले कंपनी के पास चला जाएगा आपका मेल। जब वहाँ पर चेकिंग करेगा तो आपके इंस्टाग्राम पर आपके उसी जी मेल आई डी पर आपको बता दिया जाएगा आपका अकाउंट रीएक्टिवेट किया गया, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया गया, ठीक है, आपको ये बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरीके से ये मतलब फॉर्म भरना पड़ता है, तब जाकर आपका डिसेबल अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दिया जाता है, इस तरीके से करते हैं। तो कहीं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाइक प्रेस करना, तो आपको पता हम इसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आपको लाइक करके जाना। आपको लोगों को पता कि वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगता है, ठीक है गाइस, जब सब्सक्राइब अभी कर लो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आती है अगर आपका अकाउंट नहीं सही होता है तो आप भी डायरेक्टली बात कर सकते हो इंस्टाग्राम वालों के पास, ठीक है। तो मैं वीडियो लाने वाला हूँ, आप जाइए मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए, हो सके वीडियो आ गया हो। थैंक यू, बाय बाय।